मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के उदयनगर में यास्मीन अपार्टमेंट बी विंग में, और यहां पर हम आपको बता दें कि जो ये पांचवा मंजिल इस इमारत की है, जो छठवां मंजिल है वो टेरिस है, और टेरिस पे जो है बिल्डर द्वारा जो है एक और महला यहां पर बनाने की तैयारी की जा रही है, यानी कह सकते हैं अवैध रूप से जो है यहाँ पर एक दोबारा जो छठवां मंजिला जो है यहाँ पर बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो इस इमारत में रहने वाली महिलाएँ हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। हालांकि इन महिलाओं ने बताया है कि जो बिल्डर है वो लगातार जो है रात के समय में करीब 12 बजे 1 बजे 2 बजे अपने आदमियों को भेजकर जो है इन महिलाओं को डराने का भी काम किया है। लेकिन जिस तरह से आज यहां पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और महिलाओं ने जो जानकारी दी है कि बिल्डर द्वारा जो ब्लॉक रोड पे, हम उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर जो निर्माण करने के लिए जो ब्लॉक है वो गाड़ी से जो है उतारा जा रहा है, और ये इमारत जो है इमारत की जो है हालात ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि जो इस इमारत में रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने इस इमारत को थोड़ी बहुत मरम्मत भी की है। बारिश के महीने में जो है सभी के घरों में लगभग पानी टपकता है। और एक बात और बता दें आपको कि जो ये इमारत है यहाँ पर जो है ये रेलवे से जो है बिल्कुल लग कर है, यहाँ तक कि जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो इस इमारत में वाइब्रेशन भी होता है, और बारिश के महीने में इस इमारत को काफ़ी ख़तरा है। ऐसे में इमारत की हालात भी ठीक नहीं है। ऐसे में अगर इस पे छठवां मंजिला अगर बिल्डर बनाता है तो इस इमारत को जो है और भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए ये महिलाएं जो है इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि कभी भी बारिश के महीने में इस इमारत को हादसा हो सकता है, और इस हादसे से बचने के लिए जो है ये महिलाएं इस छठवें मंजिले पर जो है जो बना रहा है बिल्डर उसका विरोध कर रही हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कौन बिल्डर है ये जो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है ये छठवां मंजिला? इस्माइल चांद सही है, इस्माइल चैन सेहत बनाने की कोशिश कर रहा है, और रात के 1:30 बजे हमको धमकाते हैं कि भाई तुम लोग रूम खाली करो, पैसा दो, हमारा इतना बाकी है ये वो। और फिर उसके साथ वो इम्तियाज़ भी आता है, 12 साल पहले वो भाग गया था, बिल्डिंग छोड़ के अधूरी छोड़ के भाग गया था सर, और हम नहीं चाहते कि वो आए। मैं मेरी बेटी अकेले रात में रहते हैं, हमारे घर में आदमी नहीं है, आते हैं हफ्ते में एक ही बार, हाँ जब आदमी नहीं रहता। क्यों बना रहा है वो, कुछ ऐसी जानकारी आपको दी है उसने? आप लोगों को बता रहे जो है इमारत काफी खतरनाक है, बारिश में पानी आता है घरों में, क्या बोलते हैं, ऑडिट का कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही कहीं से कोई लेटर लेकर आया कि मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहता हूँ। तो हमने बोले परमिशन है आपके पास, किसने आपका परमिशन? और पहली बात तो बिल्डिंग वाली से उसने किसी से जिक्र ही नहीं किया, डायरेक्ट माल लेकर आ गया है। बोले मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बिल्डर हूँ ये, इधर का मैं ऑनर हूँ, अभी भी मेरा इसमें NOC में मेरा नाम है। तो आप 12 साल के बाद आएंगे उठ के और सोचेंगे कि बनाएंगे तो क्या बन जाएगी बिल्डिंग? सर पहली बात तो ये नाले के ऊपर है, सर ये नाले के ऊपर है, इतनी पब्लिक के साथ खिलवाड़ करने जो पांच मंजिला की जो बिल्डिंग है ये नाले के ऊपर है सर, और उसको कोई हक नहीं हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का, यहाँ मासूम बच्चे हैं उनके बारे में सोचने का, ऐसी हम बहुत परेशान है, गरीब है, बारिश के टाइम पे हमारा घर बहता है, देखो हमारे घर की हालत कैसी है सर। अच्छा, आप कह रहे हैं रात के समय जो है आके डराया धमकाया, कौन आता था आपको डराने धमकाने के लिए? चांद सैयद आता था, मैं मेरी बेटी अकेले रहते सर घर में, 601 हमारे तो किसी और बिल्डर को लेकर आया, क्या इम्तियाज है वो बनाना चाहता है यहाँ पे रूम, अभी दूसरे किसी को अपना नहीं बना रहा है, वो किसी फैक्टर को लेकर आया, उसका नाम इम्तियाज है, वो बोल रहे हैं मैं जब चाहूँ तब आ सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, बोलिए बिल्डिंग में आने जाने से, हमारे को ऐसा धमका रहे, हमारा है, हम आ सकते हैं एनी टाइम, आप कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसा धमकाया जा रहा है, इसलिए सर हम उनसे एकदम परेशान है हर एक दिन पे। हमारे आप लोगों ने कुछ पुलिस में इसको लेकर ऐसा कंप्लेन वगैरह कुछ किए? अभी करने वाले अगर ये करते हैं तो हम लोग एक्शन लेंगे, डायरेक्ट पुलिस चौकी में जाएंगे, तो जाएंगे अभी सारे बिल्डिंग वाले, पूरे बिल्डिंग वाले साइन वाइन ले लिए, अभी अगर लोग कुछ करते हैं हमारे ऊपर तो हम लोग जाने वाले हैं फिर पुलिस चौकी। और उसका कभी कुछ धमकी वगैरह ऐसा? धमकी तो जिनके पैसे बाकी है, जिनके ऊपर 3-3 रूम 1-1 लोगों को, उन लोग से पैसा, हम लोग को आके बोलते हैं कि तुम लोग को घर से निकाल दूंगा, रात को 1 बजे घर पे आए थे हम लोग के, और मेरे वो इस्माइल अंकल, हाँ इस्माइल अंकल आए थे, और कागज भी ले गए, कागज वगैरह सब लेकर चले गए, पूरा सिर्फ 5,000 बाकी है, 5,000 के लिए पूरा पेपर वेपर सब लेके चले गया, घर का पेपर लेके गए, घर का पेपर मेंटेनेंस सब कुछ लेकर चले गया वो, ओरिजिनल बना के, हाँ झूठ बोलकर लेकर गया, बोलता अरे आप लोगों क्या डुप्लीकेट, जब आप लोग घर लिए तो क्या डुप्लीकेट बना के, डुप्लीकेट दिया था उसने ऑलरेडी
सबके पास पेपर है उसके पास। आज हमारे पास ओरिजिनल पेपर है घर का, लेकिन उसके पास भी हमारा ओरिजिनल पेपर है। ओरिजिनल दिए नहीं है वो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक घर के दो पेपर तो हो नहीं सकते। बाजू वाली क्या आया था उसे लड़ा था। आपके घर का ओरिजिनल पेपर आपके पास भी है और बिल्डर के पास भी है, दोनों है। और बाकायदा उसमें मेरे मम्मी डैडी की फोटो है, बराबर है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक पेपर एक ही के पास हो सकता है, या तो हमारे पास या तो उसके पास। लेकिन उसके पास 10-10 पेपर है हर रूम के। अब वो बोला, आप लोगों ने जब घर लिया था बिल्डर से, तो बिल्डर ने जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया था, क्या वो ओरिजिनल था या डुप्लीकेट? इसने सब एकदम अच्छा बताया था, और बीच में ना बिल्डिंग बना के वो भाग गया, और हम लोग को ना हम लोग का रूम भी नहीं दिया, जो हम लोग का रूम था ना वो नहीं दिया, हम लोग को दूसरे रूम में घुसा दिया। जो हम लोग ने बुक किए थे वो नहीं दिया, हम लोग को दूसरा दे दिया, दूसरा ज्यादा पैसा दिया। तो फिर अभी ये कागज जो आपके पास से कब लेकर गया और कौन लेके? अभी कुछ दो तीन महीना पहले की बात है, 3 महीना पहले रात को 1 बजे आया, 2 बजे रात को 1-2 घंटा बैठकर हम लोग को परेशान किया। हम लोग मेरे पापा को बोला अगर तुम नहीं देंगे कागज तो हम लोग तुमको घर से निकाल देंगे। कोर्ट की धमकी देता तुम लोग को, तुम लोग गरीब हो ना, तुम लोग को मैं दौड़ाऊंगा कोर्ट तक के पूरा। बाजू वाली को भी उसने धमकाया था आके के मैं तुम लोग के ऊपर ना कोर्ट करने वाला हूँ, कचहरी करने वाला हूँ। तो मैं और मेरी बहन निकल के मैंने आपको किसने हक दिया? पहली बात तो आदमी नहीं है घर पे, आप कैसे आ गए वो औरत के साथ आप झगड़ा करो? तो हम लोग दोनों बहनों ने आवाज कर तो वो भाग गया। उसके बाद से फिर वो नहीं आया, फिर अभी वो आया। ये बारिश के महीने में इस इमारत में क्या, जैसे लोग और महिलाएं बता रही हैं कि आप घरों में जो है पानी छतों से टपकता है, अंदर पन्नी लगाते हैं, तालपत्री लगाते हैं, हम लोग बच्चे बीमार होते हैं, इतना पानी सोने की जगह नहीं रहती हम लोग के घर में, बहुत तकलीफ होती है। पानी खराब होते हैं, लाइट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 5th फ्लोर है, और सिर्फ 5th फ्लोर नहीं, पूरा ग्राउंड फ्लोर तक पूरा पानी जाता है। आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं हमारे घर में भी आता है। तो आप लोगों की क्या मांग है कि यहाँ पर जो ये टेरिस है, इस टेरिस पर आप लोग जो है बिल्डर को छठवां मंजिला बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे? नहीं देंगे सर, लोड और चढ़ेगा तो वो जिम्मेदारी लेता है क्या गटर पे? पहली बात तो ये है, बिल्डिंग जान की जिम्मेदारी लेता है तो बोले बनावे, आगे बना सकता है। नहीं आया क्या वो भाग जाएगी, वो फिर से आएगा 12 साल के बाद, 12 साल बाद आज आया है, बना लेगा, पैसे ले लेगा, फिर चले जाएगा। तो जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? कोई नहीं है। लीगल नहीं है वो, बनाना अलाउड ही नहीं है, 6 माले बनाना ही नहीं अलाउड है, 5 माले के ऊपर बनाना अलाउड नहीं है, तोड़ कर गए थे। अरे 5 माला भी कितनी बार तोड़ के गए? नहीं, हम रहने आए तभी जबरदस्ती बनाया उसने। इस्माइल भाई, जो बिल्डिंग में रहने वाली महिलाएं हैं, उन लोगों का कहना है कि आप जो है छठवां मंजिला जो बना रहे हैं वो अवैध रूप से बना रहे हैं। पूरी बिल्डिंग अवैध रूप से बनी हुई है, बना रहे नहीं, उसके ऊपर ऑलरेडी 3 रूम पहले बने हुए थे, ये लोगों ने जानबूझ के तोड़े। उन लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ नहीं था, ऐसे ही टेरिस था, यहाँ पर पहले 3 रूम बने हुए थे। वो योगेश शिंदे करके लड़का है, उसकी कंप्लेंट भी है चौकी में, म्यूनसिपालिटी में भी कंप्लेंट है, तो उसमें ऑलरेडी 3 रूम बने हुए थे, वही रूम को वापस बना रहे, लोगों ने तोड़ दिए रूम को, तोड़ने की क्या ज़रूरत है? जिसके रूम है वो अगर तुम तोड़ोगे तो वो थोड़ी चुप बैठे, उसको तो रूम देना ही पड़ेगा ना बना के। लेकिन आप लोग रात के समय जो है महिलाओं को 1-2 बजे घर पे जाके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? रात के समय जाकर डॉक्यूमेंट मांगने का क्या मतलब होता है? रात के समय क्या, कभी गए ही नहीं है, दिन में ही गए हैं, और वो भी मुश्किल से 1-2 बार गए हैं, रात में जाने का सवाल ही नहीं पड़ेगा। महिलाएं तो बोल रही हैं कि आप लोग, महिलाएं बोल रही तो उनको बोलो ना, वो टाइम का वीडियो वगैरह कुछ तो होगा, फोटो वोटो कुछ तो निकाले होंगे रात के टाइम पे आए तो। ऐसा कोई जाएगा रात के टाइम पे? क्यों जाएगा? वो बिल्डिंग में अभी कम से कम मेरे 6-7 लोगों के ऊपर पेमेंट बाकी है, एग्रीमेंट नहीं दिया है लोगों को मैंने अभी तक। हाँ, ये भी बोल रहे हैं वो लोग कि जो है जो आप जिसको घर दिए, जो उन्होंने रूम बुक किया था वो रूम नहीं दिए, दूसरा रूम दिए, और जो कागज है एग्रीमेंट है वो ओरिजिनल एग्रीमेंट एक उनके पास है, एक आपके पास है। ओरिजिनल एग्रीमेंट मेरे पास ही, ये लोगों ने डुप्लीकेट एग्रीमेंट बना के उधर टैक्स चढ़ा है। वो तो बोल रहे हैं आपने डुप्लीकेट दिया। अरे काहे को डुप्लीकेट दूंगा, जब मैं तुमसे पैसा पूरा लूंगा तो तुमको दूंगा नहीं क्या? तुमने पैसे ही नहीं मेरे को पूरे दिए तो मैं काहे को दूंगा फिर एग्रीमेंट, बताओ ना आप मेरे को। तो अभी आप नहीं, तो महिलाओं का कहना है ना, महिलाओं का कहना है आपने डुप्लीकेट, देखो डुप्लीकेट मेरे को, आपने डुप्लीकेट दिए, ओरिजिनल दिए, वो जो महिलाओं का कहना है वो मैं आपसे मैं बता रहा हूँ। महिलाएं जो बोल रही है ना, उसमें से 4-5 लोग ही है जिनको एग्रीमेंट मैंने नहीं दिया है, उसका रीज़न ये है कि उनके और पैसे निकलते हैं मेरे एग्रीमेंट के बिना। ये लोग ने जाके म्यूनसिपालिटी में टैक्स ट्रांसफ़र करा, अभी मैं RTGS मारने वाला हूँ, RTI मार के पता करूँगा कि लोगों ने कौन से डॉक्यूमेंट्स पर टैक्स चढ़ा है। लेकिन जो है आप कह रहे हैं वहाँ 3 रूम थे और योगेश नाम का था वहाँ रहता था, तो 3 रूम उसी के थे?
नहीं, दो रूम मेरे थे उसमें, एक रूम शेखो शिंदे का था, उसको रहने को दिया हुआ था। ये लोगों ने क्या किए, वो साइड से कुछ ईंट गिर गई, ईंट गिरने के बाद में लोग बोले कि भाई वो ईंट गिर रही करके पूरे रूम जाके ये लोग ने तोड़ दिए। अच्छा, लेकिन बिल्डिंग की हालत इतनी ख़राब है कि सबके घरों में पानी आ रहा है, बाजू में रेलवे ट्रैक है, अगर बारिश में हादसा होता है आखिर तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? पूरी की पूरी बिल्डिंग तो अवैध रूप से है ही। नहीं, बिल्डिंग की हालत कुछ ख़राब नहीं है, बिल्डिंग अच्छी है, मजबूत बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑडिट के लिए भी गया था मैं, 3 बार ये लोग को मैसेज देने को गया था, जो बोले ना कि आके बोल रहे, रात को नहीं दिन को जाके बोला था, और एक बार खाली 10 बजे गया था ये बोलने के लिए कि भाई ऑडिट करा लो, तुम लोग ऑडिट करा लो, कुछ भी रहेगा तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ करके। सोसाइटी भी मैंने अभी तक इनको लिख के नहीं दिया है, अभी भी छोटा सोसाइटी ये लोग अपने मन से चलाते हैं, समझे? ये सब बोलने की बातें, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। 3 रूम जब ऊपर थे तो तुमको तोड़ने की क्या ज़रूरत है? और मैं कोई सब पूरी सोसाइटी वालों ने तोड़ा था मिल के, सोसाइटी वाले तोड़े थे, 3 रूम ऊपर थे, सबको मालूम है 3 रूम ऊपर थे, म्युनिसिपालिटी ने नहीं तोड़े थे, म्युनिसिपालिटी ने नहीं तोड़े, म्युनिसिपालिटी ने नहीं तोड़ी थी, लोगों ने तोड़े। नहीं, अब तो बता रहे हैं ना कि म्युनिसिपालिटी, किसने तोड़ा था? म्युनिसिपालिटी आई थी, इधर आइए, इधर आओ ना, इधर इधर आओ। इनका कहना है, जो बिल्डर है इस्माइल भाई, इनका कहना है कि वो जो इमारत के रहने वालों ने उसके 3 रूम जो था उसे तोड़ दिया था, और आप कह रहे हैं म्युनिसिपालिटी। देखो भाई, ऐसा था, वो कई साल पुराना हो चुका था, वो हवा से दीवारें हिलती थी, वो हम लोग को डर था कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त का मतलब बच्चा जा रहा था वो लेके स्कूल, असलम नाम है जिसका, उसके बच्चे के ऊपर गिर गई, तो वहाँ से पूरी पब्लिक आई, हम लोग ने हमला करके, नहीं वहाँ रुक जाओ भाई, हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जब वो होने का था कि जो बिल्डिंग टूटने वाली है, बिल्डिंग गिर जाए, किसका नुकसान हो, इससे वो बेहतर है कि हम लोग ने वो रूम तोड़वा दिए, क्योंकि पूरी काई जम गई थी उस पर, वो प्लास्टर गिरता था अंदर, 2 बार मेरे घर में स्लैब गिरा है, वो दीवार के स्लैब गिरने से, वो जो बिल्डिंग बनता है वो वीडियो नहीं बनता, मेरे घर में चलो, वो उतना पूरा सर्कल बना है, अगर बिल्डिंग को कुछ अल्लाह ना करे कल को कुछ होता है, रूम बना देंगे इन लोग, तो कौन जिम्मेदार रहेगा? अरे एक या 2 रूम की दीवारें बनी हुई थी, 3 रूम वही 2 3 रूम की दीवारें बनी हुई थी, और 10-12 साल के बाद आने के बाद खाली स्लैब नहीं था, मैं तो बोल रहा हूँ ना पूरा कंप्लीट बना हुआ था, मैं कहना बोल रहा हूँ, लेकिन वो सड़ चुका था, पूरा खराब हो गया था, कुछ मसला नहीं था, पूरी टेरेस था, कोई नहीं, बंजर था पूरा, घासी वासी, अरे कहाँ से घास आएगा कुछ? अरे आप मेरे को बताओ, अब ये ऐसी नॉर्मल बिल्डिंग में लग जाता है, इस पे घास कहाँ से आएगा? पूरा बंजर था, बंजर काई रही थी ना काई, हम लोग ने वीडियो नहीं उतारे, वो गलत हो गया, लेकिन इतने साल के बाद ये वापस अभी आ रहे, और अब बिल्डिंग वाले को परेशान कर रहे ले, यहाँ रूम बने करेंगे, अरे 802। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुदस्सर शेख है, मैं 5 माले पे रहता हूँ, मेरे 3 रूम है, समझ रहे, टेरिस फ्लैट उन लोगों दूसरे का, लेकिन मैं 5 माले पे रहता हूँ, मेरे भी ओनर रूम है, 3 रूम है हम लोग के, ऐसी खोटा नहीं हो रहा। सोसाइटी वगैरह बनी है क्या आप लोग? नहीं, सोसाइटी नहीं बनी। देखो सोसाइटी नहीं बनी क्योंकि उसमें बिल्डिंग का मसला चालू है, ऑडिट का मसला चालू है, हमारे वो रईस भाई थे, महरूम वो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन कैसा जो है वो थे, वो पहले देखदाख करते थे, थोड़ा बिल्डिंग को सुधार करके लाए थे, अभी ऑडिट का मसला हम लोग का चालू है, ऑडिट के लिए हम लोग कर रहे, अभी ये मसला दूसरा आ गया कि यहाँ बिल्डिंग बन गया रूम बांध रहे ऊपर, अभी ये रात में उनका कहना है, जो बिल्डर है उनका कहना है कि वहाँ ऑलरेडी हमारा 3 रूम था, तो इसलिए हम लोग जो है बना रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने तोड़ा था, तो इसलिए मुझे बना कर देखो भाई, जो इल्ज़ाम वो 8-9-10 साल हो गया, 8-9 साल हो गया, और वो बात को जो बिल्डिंग के साल नहीं हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को सुनो ना भाई, वो धोखाधड़ी में जब आए थे ना लोग, तो हर 14 साल नहीं, हाँ तो अरे रिक्स कौन लेगा भाई, कल का कौन तुम्हारे को लेने का, क्या जिसका रूम है उसको देने का, रिक्स लेने का सवाल किधर है? अरे सब आके चले गए, बारिश के महीने में हादसा होता है तो जिम्मेदार वही मसला हुआ ना भाई, आपकी बात, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है ना, ऐसी नंगी दीवारें खड़ी थी, ऐसी कोई बात ही नहीं है ना, आपने को बताओ ये 5 माले पे हम लोगों ने छपरा लगाया, तो छपरा पूरा उड़ के चला गया उधर, अरे प्लास्टिक का याद है ना, निशान मैंने लगाया था, प्लास्टिक का छपरा तो उड़ के जाएगा ही ना, उड़ के जाएगा ही अभी तो, लेकिन वो दीवारें भी तो देखो, प्लास्टिक का छपरा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? ओपन दीवारें सड़ेगी, अंदर की दीवारें तोड़ने का मतलब ही नहीं, दीवार बगैर प्लास्टर की दीवार सड़ेगी नहीं, पानी पी के गिरेगी नहीं, वो गिरने से हमारे घर के अंदर सज्जा गिरा, मंगता आप चलो मेरे घर में, वो बाघ आधा पूरा सा सर्कल है जो बनाया है ना उसने, वो सर्कल का बैकग्राउंड दिखता है अभी भी, मैं आपको चीरा, मैं आपको घर में चल के दिखा सकता हूँ, वो स्लैब गिरा है, नहीं सवाल ही नहीं उठता है उसका, सवाल ही नहीं उठता है, क्या मालूम है ये लोगों ने ईंट का बहाना लेके जानबूझ के रूम तोड़े, और कोई वजह नहीं है उसमें, जिसके 3 रूम है उनको देने गए। सुना कि जिस तरह से यहाँ पर जो छठवां मंजिला बिल्डर द्वारा बनाया जा रहा है, यहाँ इमारत में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो विरोध कर रही हैं, हालांकि ये जो आप
देख रहे छठा मंजिला, ये जब इमारत बनी थी उसी दौरान ये बनाया गया था। उसके बाद इस टेरिस को जो है यहाँ पर चारों तरफ से बाउंड्री मार दिया गया था, लेकिन अब जो है बिल्डर दोबारा कुछ साल बाद यहाँ पर जो है छठवें मंजिल का निर्माण कर रहा है, जिसको लेकर इमारत में रहने वाली तमाम महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। हालांकि महिलाओं ने रात में जो है बिल्डर द्वारा आकर धमकाने का भी आरोप लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इमारत की हालत बेहद ही ख़राब है। और अगर ऐसे में यहाँ छठवें मंजिल का निर्माण किया जाता है और हादसा हो जाता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।